भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला ओवल क्रस्ट चर्च में खेला जाएगा। आपको बता दें कि सीरीज बराबर करने का टीम इंडिया के पास आखिरी मौका है। टीम इंडिया वनडे सीरीज के 1-0 से पीछे है और अगर भारत को न्यूजीलैंड वनडे मुकाबले में हार मिलती है तो न्यूजीलैंड 2-0 से श्रृंखला अपने नाम कर लेगी। वहीं अगर टीम इंडिया ने तीसरा वनडे मुकाबला जीत लिया तो फिर सीरीज एक बार बराबर होगी। भारतीय टीम इस सीरीज को जीत तो नहीं सकती लेकिन जीतने के बराबर अपना प्रयास लगा सकती है। अगर टीम इंडिया प्लेइंग 11 की चर्चा की जाए तो भारतीय टीम में इस समय चर्चा का विषय के कारण संजू सैमसन बने हुए हैं। दूसरे वनडे में उन्हें बिना किसी वजह से बाहर कर दिया और दीपक हुड्डा को उनकी जगह ले लिया था। अब यहां पर अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तीसरे वनडे मुकाबले में कोई परिवर्तन होगा तो संजू सैमसन के रूप में ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा गेंदबाजी हो या बल्लेबाज, कोई भी खिलाड़ी बाहर होने के कगार पर नहीं खड़ा हुआ है। दीपक हुड्डा संजू सैमसन के बीच एक फेरबदल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैदान की बात करें तो मैदान ओवल का है और इस मैदान में अब तक कुल 15 ओडीआई मुकाबले खेले जा चुके हैं। मजेदार बात यह है कि ओवल क्राइस्टचर्च में जब भी किसी टीम अपनी बल्लेबाजी की है उसके पक्ष में 8 मुकाबले गए हैं और वहीं चेस करने वाली टीम ने भी 7 मुकाबले जीते हैं, यानी कि अंतर सिर्फ 19-20 का है। आप चाहे तो बल्लेबाजी करें या फिर गेंदबाजी, लेकिन ओवल के इस मैदान में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है बारिश। न्यूजीलैंड टीम को तो भारत तीसरे वनडे मुकाबले में बारिश हुई थी और फिर टीम इंडिया के ऊपर मुसीबत आ सकती है। भारतीय सीरीज हार नहीं सकता, लेकिन वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो पहला वनडे मुकाबला शानदार तरीके से जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम में एक भी परिवर्तन होता नहीं दिखाई देगा। दोनों ही टीमें सीरीज को जीतने का फिर ड्रॉ करने के लिए उतरेगी, इसलिए कोई भी प्लेइंग 11 में ऐसा बदलाव नहीं करेगा जिसकी वजह से अंत में दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि भारत की प्लेइंग 11 में आप कितने बदलाव चाहते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।